हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर वेलकम करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग आए हुए हैं निगोहा, जो कि लखनऊ से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो यहां पर निगोहा में एक गांव पड़ता है बावाखेड़ा, जहां पर ये आप देख सकते हैं गिर गाय का एक बहुत ही शानदार डेयरी फार्म यहाँ पर शुरू किया गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। मैं आप लोगों को अभी यहाँ के ओनर से भी मिलाऊंगा और फार्म की पूरी डिटेल उनसे जानेंगे कि उन्होंने कब ये फार्म शुरू किया था और उनका अभी फार्म कैसा चल रहा है। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो लोग भी हमारी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगा हुआ नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। उससे जब भी हम नई वीडियो लेकर आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा और आप लोग वीडियो को देख पाएंगे। और दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जितने भी यूपी के लोग हैं, वो लोग इस वीडियो को शेयर करें। चाहे आपका व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, कहीं भी ग्रुप हो आपका, वहाँ पे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि लोगों को पता चले कि अब लखनऊ में भी या यूपी में भी लोग देसी गाय पर काम करना लोगों ने शुरू कर दिया है। और दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी शानदार गिर नस्ल का बुल इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है और आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी शानदार यहाँ पर गाय भी हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अब शुरू करते हैं और यहाँ के ओनर से भी आप लोगों को मिलवाते हैं और फार्म की पूरी डिटेल्स भी उनसे जानते हैं। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। नमस्कार। तो एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अनुराग सिंह है जी, और हमने यहाँ पे अपना वेदांतम के नाम से एक डेयरी स्टार्ट की है। हमारे पास अभी गिर गाय हैं। गिर गाय से? गिर गाय जी। यहाँ पे हमारे पास अभी 10 गाय हैं। अच्छा। 10 उनके बच्चे, एक हमारे बुल है, इसका नाम लल्लू है। बुल भी रखा हुआ है जी। जी। तो ये कहाँ पे लोकेशन इसकी क्या है आपके फार्म की? ये आपकी लोकेशन पड़ती है निगोहा भावाखेड़ा गांव में है। अच्छा। लखनऊ से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। तो कितने दिन हो गए आपको ये फार्म शुरू किए हुए? लगभग हमको यहाँ 7 महीने हो गए। 7 महीने? जी जी। तो ये आपने देसी गाय पे ही क्यों काम करना चाहा? एक्चुअली ये देखिए, अपनी भारतवर्ष की गाय है, जिसकी अब धीरे धीरे लोकप्रियता लोगों को मालूम भी पड़ रही है और इनके वंशज इतने कम हो रहे थे, इनकी वंशावली बढ़ाने के लिए, प्लस ये हमारे लिए इतनी लाभकारी है, इसकी काफ़ी गुणवत्ता है जो हमको, हमारे कस्टमर्स को जो भी ये पीते हैं दूध, उनको महत्व इसका देती हैं। जैसे इनमें डील होती है, सुषुम्ना नाड़ी कहलाती है जी, ये स्वर्ण भस्म दूध बनता है इससे। इससे अच्छा। कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर, इन सब के लिए दूध रामबाण है, इसलिए हमने इसका स्टार्ट किया। तो ये गिर गाय क्यों चुनी आपने, और भी देसी गाय हमारी जैसे? गिर गाय हमारी जो है, ये देखिए सबसे बड़ी बात तो ये श्री कृष्ण भगवान की गैया है। अच्छा। और ये आपको मैंने बताया ना, इसमें कुछ अलग चीज़ें हैं, अलग सारी देसी गाय से इसमें कुछ अलग चीज़ें मिलती हैं जो हम इसको गिर गाय को लिए प्रेफर्ड किया। तो ये कहाँ से लाए थे आप? ये हमने सारी गुजरात से लाई। गुजरात से? जी जी। तो ये एक साथ लाए थे कि? नहीं नहीं, हमने सब एक साथ ही लाया था। एक साथ लाया था। तो क्या कुछ प्राइस में आपको पड़ी थी वहाँ पर? प्राइस तो देखिए, गाय की जो है अपने पास 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में है। जितनी गाय आपके पास है? हाँ, जितनी गाय हमारे पास है सब 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में है। और हमारा ये जो बुल है, ये आपका 3 लाख का पड़ा था। इसको 3 लाख में? जी जी। तो ये कहाँ से आपने परचेस किया है? ये भी वही गुजरात से आई। गुजरात का ही है? जी जी जी। गुजरात की सब अलग अलग गांव से हमने सब किसानों से मिल करके संपर्क कर। किसानों से लिए? हाँ, सारी मैंने किसानों से ली, कहीं ये डेयरी से या ऐसी वैसी जगह से नहीं ली है। प्रॉपर हम लोग वहाँ 10 से 15 दिन रुके थे, सारी गाय को देखा। काफ़ी गायों को देखने के बाद ये 10 गाय हम लोगों ने सेलेक्ट की थी। तो इनकी दूध उत्पादन क्षमता आपने क्या देखी होगी? देखिए, देसी गाय जो होती हैं, आपको कहने को तो बहुत सी मिल जाएंगी कि 20 लीटर देती है, 25 लीटर, लेकिन वो सब बात गलत है। देसी गाय की मैक्सिमम लिमिट 8 लीटर की है एक टाइम की। जो सबसे अच्छी गाय होती है वो 8 लीटर से ज़्यादा दूध नहीं देती है। और इसमें आपके पास, हमारे पास जो है 10 से 12 लीटर में भी है और 16 लीटर तक भी एक दो गाय है हमारे पास। जैसी हमारी ये गाय है, इनका नाम शैला है। अच्छा, नाम भी रखा हुआ है? हाँ, हमने अपनी सारी गायों का, एक्चुअली हम लोग नवरात्रि में लाए थे। अच्छा। तो नवरात्रि में हमने 9 देवियों के नाम पे अपने सब रखे हैं। जी जी जी। शैला जी हैं ये। जी। आपकी जो मिल्किंग है इनकी 12 से 14 लीटर की पर डे? हाँ हाँ, पर डे। तो ये कुछ प्राइस में आपको ये मिली होगी? प्राइस की बात करें तो हमारी लगभग ये 1.60 की थी। 1.60 लाख? 1.60 लाख की थी जब मैं लाया था, तो ये 7 महीने की प्रेग्नेंट। तो वहाँ पे आपने गाय की कीमत क्या देखी थी स्टार्टिंग प्राइस अगर बात? गाय की कीमत देखा जाए तो वहाँ पे हमने आपको जो बछिया मिलेंगी, जो कि प्रेग्नेंट भी ना हो, तो आपको 80,000 से 1 लाख के बीच में मिल जाएंगे। अच्छा। जो कि 12 से 14 महीने की होती हैं। अगर आप प्रेग्नेंट लेते हैं पहली बछिया, तो आपको 1.25 लाख 1.5 लाख, इनकी कोई प्राइस नहीं है, क्योंकि अपने देश में बहुत कम बच्ची हैं। बट हम लोग प्रॉफिटेबल लेने के लिए, हमसे एक वंशावली पहले
अगर आप सुनते होंगे कि बाबा के ज़माने में वो लोग पेड़ टहनी झुका देते थे, ये जी, बहुत बल था, तो कहाँ से था उनके पास? क्योंकि वो जो हमारी भारतवर्ष की चीज़ें थी, जैसे देसी गाय का दूध पीना, देसी वर्कआउट करना, तो उससे उनको मिलता था। तो जैसे कि आप गाय लाए थे तो सभी प्रेग्नेंट लाए थे। हाँ, यही चीज़ मैं आपसे कहना चाह रहा था, जो आप किसान भाइयों से भी मैं कहना चाहूँगा कि जब भी वो प्रेग्नेंट वहाँ से गाय लाते हैं तो कभी मिल्किंग काउ ना लाएं, क्योंकि ये गाय जितनी सीधी होती हैं उतनी अटैकर भी होती हैं। जब तक ये अपने मालिक को पहचानती नहीं है तब तक ये उनको मिल्किंग निकालना आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अगर सेट होने में गाय को आसानी रहती है, अगर आप अगर प्रेग्नेंट गाय लाते हैं 6 से 7 महीने की, तो 2 से 2.5 महीने में आपसे आपके साथ वो ढल जाती हैं कि ये हमारे मालिक है, आपको अपना मालिक भी समझती हैं, प्लस आप चारा पानी खिलाते हैं, जो चारा पानी खिलाने वाला है उसे प्रॉपर एकदम इनका अच्छा लगाव हो जाता है। फिर आपको दूध निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं होती, प्लस वहाँ के इन्वायरमेंट से यहाँ आती है तो उनके दूध में भी कोई ऐसा नहीं आता है कि वहाँ से 14 लीटर की ले आएंगे तो यहाँ आपकी 6 लीटर हो जाएगी। लेकिन अगर प्रेग्नेंट लाते हैं तो अगर वहाँ 14 लीटर देती है, हाँ 1-2 लीटर कम करेगी तो 12 लीटर आपको आसानी से मिल जाएगा जी। तो मतलब प्रेग्नेंट गाय ही लानी चाहिए, प्रेग्नेंट गाय ही हमेशा प्रेफर करना चाहिए। और यहाँ पे जैसे गुजरात की ये गाय है तो यहाँ पे और कोई तो दिक्कत नहीं हुई इसको? नहीं नहीं, इनको देखिए देसी चीज़ें, चाहे जो चाहे देसी लड़का हो चाहे देसी गाय हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सब सेट होने में। हाँ सर, ये ऑटोमेटिक नेचर से जुड़ी होती हैं, ये हमेशा नेचर से जुड़ी होती है। इनको हल्का से ठंडी से बचाव करना होता है, बाकी ये गर्मी में आप देखिए इतनी गर्मी पड़ रही है अभी, सारी गाय कितनी मस्ती से सब घूम रही है, आपको इनमें किसी को भी गर्मी का आभास आपको नहीं लगेगा। जितना टेम्परेचर हम लेते हैं, जितनी टेम्परेचर हम सह सकते हैं, उसका ही 1.5 गुना 2 गुना तक ये नॉर्मल रहती है। तो जैसे इनका मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं? हाँ, मैनेजमेंट देखिए इनका बहुत आसान है, और ये नॉर्मल सूखा भूसा खाती हैं, ठीक है, और चूनी चोकर इनका हम अलग से, अभी आपको मैं दिखाऊंगा। अच्छा। इनका सब बना हुआ है, अलग अलग बाट में करके दिया जाता है, प्लस कुछ चीज़ें हैं जो मेडिकेटेड चीज़ें हम लोग यहाँ पे अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय में लोगों को इतनी डायबिटीज़ तमाम प्रकार की बीमारियाँ आती हैं, तो उन सब चीज़ों को जोड़ने के लिए हम लोग इनको जीवंती खिलाते हैं, कालीजीर खिलाते हैं और मालकांदरी खिलाते हैं, गुड़ में ये सब पूरा पेस्ट बनाते हैं प्रॉपर। अच्छा। अभी आपको मैं दिखाऊंगा सारी चीज़ें। तो ये कितना एरिया है जो आपने पूरा फार्म बनाया हुआ है? ये हमारा एरिया टोटल लगभग 2 बीघे का है। 2 बीघे का? हाँ, आधे में हमने पूरा ये देसी चरी बोया है। अच्छा। ये भी हमने गुजरात से इसके सीड्स लाए थे। ये अपना खुद का ही चारा आप? हाँ, ये अपना खुद का चारा है। तो ये हमेशा अवेलेबल रहता है आपके यहाँ? हाँ, हरा चारा तो हमेशा अवेलेबल रहता है। देते हैं बाहर जी? जी नहीं, बाहर से नहीं। अभी ये रहेगा, इसके बाद हम बरसिंग लगा देते हैं, बरसिंग खिलाते हैं, उसके बाद ये हरा चारा रहता है ये हमारी। तो ये ओपन के लिए, खुला छोड़ने के लिए ये बनाया हुआ आपने? हाँ, एक्चुअली होता क्या है कि ये गाय आपकी मैक्सिमम टाइम घूमती हैं जी, मैक्सिमम टाइम इनको चाहिए टहलने को, तभी ये आप इनका बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप इनको नॉर्मल बांध करके करते हैं तो वो मज़ा नहीं आता। जैसे अगर हम ही अपने आप पर एक्सपेरिमेंट कर लें, अगर हम कितने भी अच्छे हैं, अगर हमको कोई बांध के रखेगा तो नो डाउट हम बेकार भी हो जाएंगे, वो अच्छा भी नहीं लगेगा। ये तो हमारी गौ माताएँ हैं। तो इनको कब खुला छोड़ते हैं आप? ये आपको बस खाने के समय और मिल्किंग के समय बधी मिलेंगी, नहीं तो प्रॉपर ये खुली रहती है। अच्छा, पूरा दिन ये, दिन में रात? हाँ, दिन या रात ये हमेशा खुली रहती है, जब मन होता है बैठती है आराम से। हाँ, हाँ, पानी पीना हो। जी जी जी। तो ये जो शेड है ये किस हिसाब से आपने बनाया हुआ है? ये हमने दोनों तरफ, एक्चुअली मुझे गाय को बांधना था उसके हिसाब से मैंने 100 फीट ये लंबा रखा है और 25 फीट चौड़ा है। तो इसमें कितने पशु आ जाते हैं? इसमें 25। 25 गाय की कैपेसिटी? हाँ, 25 गाय। वैसे बनाया तो मैंने 50 का है। अच्छा। लेकिन इतनी हैवी गाय है कि आप इनको 25 के ऊपर रख भी नहीं पाएंगे। तो ये इसकी हाइट क्या होगी लगभग? ये 12 फीट। 12 फीट? हाँ, 12 फीट ऊंचाई। तो इसमें इन गायों को कोई दिक्कत होती है जैसे? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत आसानी से सब लोग ये, इसलिए हमने इनके लिए मैट भी बिछा रखा है फर्श के लिए। और यहाँ पे अभी आप देखेंगे कहीं पे भी आपको फैन नहीं दिखेगा। अभी हम लोग जून के मौसम में हैं, हमारी गाय को अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई है, सब एकदम आराम से एडजस्ट। हाँ, कोई ये मैं बता रहा, जितना हम लोग एडजस्ट करते हैं, हम लोग का जस्ट डबल एडजस्ट करती हैं। देसी चीज़ की क्वालिटी यही होती है। इनको ना धूप से कोई दिक्कत है? नहीं नहीं, इनको धूप से भी कोई दिक्कत नहीं है, बस हाँ इनको दिक्कत होती है तो हल्की ठंडी से होती है, बारिश से होती है। अच्छा। हाँ, तो ये पानी का भी इनके साथ में ही व्यवस्था है? हाँ हाँ, ये इनका खाने का है, जस्ट इनके बगल में पानी का हमने कर दिया। एक गाय के बीच में? हाँ, दो गाय के बीच में। दो गाय के बीच में? जी जी जी। और ये जो साथ में दूसरा शेड एक बनाया हुआ है, ये भी हमने इन्हें गाय के लिए बनाया था एक्चुअली, लेकिन बट अभी हमारे पास 10 ही गाय अवेलेबल है तो हमने इसी में किया, उसमें अपना भूसा, स्टोर रूम, ये सब सारी चीज़ का भी हमने कर रखा है, ड्राई फोडर हो गया जैसे। हाँ हाँ, ये सब सारी चीज़ें उसमें रहती हैं, गाय इसमें रहती है। अभी ये 10 गाय में कितना दूध हो जा रहा है?
अभी हमारे पास 10 गाय में 70 प्लस मिल्क है। अच्छा, जिसमें बच्चे भी पीते होंगे? हाँ हाँ, बच्चों के लिए तो एक थन छोड़ा ही जाता है, एक थन से हम लोग टच भी नहीं करते, वो बच्चों के लिए होता है, सिर्फ बच्चे ही पियेंगे उसको। क्या रेट में अभी आप दूध सेल कर रहे हैं? अभी हमारा जो रेट चल रहा है 150 रुपये लीटर चल रहा है। हाँ, कांच के बोतल में हमारी पैकिंग रहती है, सील्ड पैक करके हम वहाँ लखनऊ में डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं। लखनऊ में आपका दूध? हाँ, डिस्ट्रीब्यूट होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम 11 बजे के पहले कस्टमर को देने की पूरी कोशिश करते हैं कि 11 बजे से पहले उनके पास दूध पहुँच जाए। तो बॉटल सील रहती है जैसे कोई? हाँ, हाँ, में मिलावट की कोई दिक्कत नहीं? नहीं, बॉटल्स इसीलिए तो हम बॉटल सील करते हैं कि उसमें कोई मिलावट की, आपको देखिए अगर हम गुणवत्ता की बात करें चाहे गाय की बात करें तो सब हम टॉप वन क्लास की देते हैं, चाहे जिसकी भी आप लेंगे आपको व्यवस्था। तो जैसे आप 150 रुपये लीटर बेच पा रहे हैं दूध, या नॉर्मल हम लोग देखें तो लोग 40 में भी दे रहे हैं, जी जी जी, 50 में भी दे रहे हैं। हाँ हाँ, तो क्या डिफरेंट है? अगर आप देखिए नॉर्मल दूध आपको जो 40 रुपये 50 रुपये में मिलता है, जो पीते वो भी जानते हैं, वो आधा दूध आधा पानी पीते हैं, उसमें नो डाउट कोई वो शंका नहीं है। प्लस आप देखिए आप किस चीज़ का यूज कर रहे हैं, शर्ट पहने को आप भी पहने, मैं भी पहना हूँ, आपने ब्लैकबेरी का 4000 का पहना है, मैंने 300 रुपये वाला पहना, तो उसका रिलैक्सेबल आपको पता है। जी जी। जो गिर गाय का दूध पी रहा है उससे उनको क्या मज़ा मिल रहा है, उनको क्या उसके गुणवत्ता मिल रहा है वो जानते हैं, तो और नॉर्मल दूध जो पीते हैं वो जानते हैं। जैसे 9 महीने हो गए स्टार्ट किए, तो आपके कस्टमर से आपको क्या रिस्पॉन्स मिला इस दूध? देखिए हमारा जो रिस्पॉन्स रहा है बहुत अच्छा रहा है हमारे कस्टमर के साथ। कुछ कस्टमर्स ऐसे थे, मैं आपको बताऊँ, एक मैम है उनके पैर में बहुत दर्द था। अच्छा, वो उठ बैठ नहीं पा रही थी, बट 3 महीने या 4 महीने उन्होंने प्रॉपर हमारे मिलकर यहाँ से यूज़ किया है। अभी मैम योगा करती हैं। अच्छा, वो मुझसे बोली कि मुझे दवा फ़ायदा की या क्या क्या, मैंने कहा मैम आप बंद कर दो दूध, कहे नहीं यार 3 साल से मैं दवा कर रही हूँ बट मेरे को नहीं आराम मिला, शायद इससे हो, तो आज भी हमारा दूध यूज़ करती है, तो इससे बहुत फ़ायदा है। ऑलरेडी मैं बताऊँ, मैं इसका खुद कस्टमर हूँ, मैं एक्चुअली इसके पहले बैंक में था, तो मेरे को शुगर काफ़ी ज़्यादा था, तो उसको मैं इस पे गिर गाय पे अध्ययन किया, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा खुद ही ओपन करता हूँ। मेरा मैं अभी शुगर की कोई भी दवा नहीं यूज करता, प्रॉपर सारी चीज़ें हमारी फूडिंग चलती है, मेरा 125 ऊपर कभी शुगर नहीं है। तो ये गिर गाय के दूध का है? हाँ, ये गिर गाय के दूध की गुणवत्ता बेनिफिट आप मानते हैं? जी जी जी। तो अभी आप कितनी गाय तक ले जाना चाहते हैं इसको? बारिश के बाद मैंने अभी 15 गाय की और वो की है, अभी आप बढ़ाएंगे? हाँ, 25 काउस का मैं यहाँ पे पूरा अपना रखूँगा, प्लस हमारे 10 बच्चे भी तैयार हो रहे हैं, जिसमें 7 बच्चियाँ हैं और 3 बछुआ हैं। 3 बछड़े और 7 बछड़ियाँ अभी आपकी तैयार हो रही है। तो ब्रीडिंग पे भी आप फोकस कर रहे हैं? मतलब जी जी, ब्रीडिंग के लिए भी हमने इसीलिए अपना बुल भी ले आया है, ब्रीडिंग का भी कर रहे हैं, प्लस अब आगे चल के हम लोग इसका सेल आउट भी करेंगे, यूपी ईस्ट में इसका प्रचार प्रसार करेंगे, इसकी बंसावली को बढ़ाएंगे, ये हमारा फोकस है। तो AI आपने करवाई होगी गाय? नहीं नहीं, AI नहीं कराई, इसलिए मैंने बुल लाया। नहीं मतलब अगर ट्राई नहीं किया था शुरू में? नहीं नहीं, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था इसके साथ। उसको आप वो नहीं मानते? नहीं नहीं, एकदम नहीं, एकदम मुझे कोई रिस्क नहीं लेना था, जब मैं कर रहा हूँ प्रॉपर हर चीज़ नेचुरल वे में चलेगा, हर चीज़ नेचर से जुड़ा होगा, ये भी नेचुरल। हाँ, तो घी क्या रेट आप सेल कर रहे हैं अभी? घी अब हमारा जो जा रहा है 4000 रुपये के जी। तो कैसे आप बना रहे हैं उसको घी? मतलब घी हमारा जो बनता है वो पहले मटके में दही बनाया जाता है, उसको फिर प्रॉपर बिलौना चला करके उससे मक्खन निकाल करके फिर मटके में उसे बॉयल करके उससे घी निकालते हैं। बिलौना मेथड? हाँ, बिलौना मेथड से हम घी निकाल रहे हैं। तो 1 लीटर घी बनाने में लगभग कितना दूध लग जाता होगा? 1 लीटर घी बनाने में, एक्चुअली देखिए आपको मैं अब मेन चीज़ बताता हूँ, इनकी दूध के गुणवत्ता में एक और अच्छी चीज़ है, इनका फैट जो है आपका 4.5 से 5 के बीच में होता है, इनमें फैट ज़्यादा नहीं होता है, जो प्रॉफिटेबल इसलिए है क्योंकि जो हमारा डाइजेशन होता है, हमारा पेट का जो नेचर से जुड़ा है वो 37 डिग्री पे है, 37 डिग्री के नीचे आप कुछ भी खाते हैं कुछ भी पीते हैं, जैसे हरी सब्जियां हो गई, पालक हो गई, ये सब चीज़ें क्या होती है 37 डिग्री के नीचे होती है, तो आप खाइए कितना भी आपका डाइजेस्ट हो जाता है, उसमें कभी प्रॉब्लम नहीं आती। और सेम इसी तरह इस दूध का भी है, ये 33 डिग्री पे आपके पेट में अपने आप को पचाता है, ये 33 डिग्री पे पच जाता है, तो आप समझिए अगर आपने कोई वर्कआउट नहीं किया कोई काम नहीं किया, अगर आप इस दूध का सेवन कर रहे हैं तो आपके लिए कहीं से भी ये नुकसानदायक नहीं होता है। तो अभी स्टाफ कितना होगा यहाँ पर? हमारे पास अभी 4 स्टाफ हैं, 1 मिल्कमैन है जो हमारा सुबह दूध देने जाता है। अच्छा, 1 लेडीज़ हैं जो कि हरे चारे काटने के लिए, बॉटल्स धोने के लिए, साफ़ सफाई के लिए हैं, और 2 हमारे वर्कर्स हैं जो यहाँ पर पूरा गाय का देख रेख करते हैं। ठीक है, तो ये जो बॉटल इसी में मिल्क पैक होते हैं? हाँ, ये हमारा सर कांच का बॉटल है, A2 गिर काऊ मिल्क के नाम से है हमारा ये,
इसमें हमने FSSAI हमारा सर्टिफाइड भी अच्छा, है। अच्छा ये रजिस्ट्रेशन है। हाँ रजिस्ट्रेशन अच्छा। भी है हमारा। तो ये कितने लीटर की बोतल है सर? ये एक लीटर की बोतल। तो इसकी बोतल की क्या कॉस्ट होती होगी? बोतल की कॉस्ट जो प्रिंट के साथ आती है लगभग 30 रुपये का एक बोतल पड़ता है। 30 रुपये जी। ये प्रिंट अपने आप कराना पड़ता है? हाँ प्रिंट आपको अपने हिसाब से जैसा आपको पसंद हो वैसा आप अपना प्रिंट कराएंगे। तो इसमें आप सील करके देते हैं? हाँ ये हमारा बोतल सील्ड रहता है। रास्ते में कोई मिलावट की? कोई मिलावट की उसमें कोई शिकायत ना हो। अच्छा और घी का भी इसी तरह? हाँ घी का भी हमारा प्रॉपर इसी तरह है कांच के बोतल। तो घी कहाँ कहाँ देते हैं आप? जैसे घी हमारे वैसे तो अभी जितना घी हमारा बनता है हमारे कस्टमर जो हमारा दूध का यूज़ कर रहे हैं वही घी की डिमांड रहती है। प्लस और भी जहाँ भी ऑनलाइन भी हमारा वेबसाइट है वेदांतम के नाम से, आप A2 मिल्क भी डालते हैं गूगल पे तो भी हमारा पहले नंबर पे आता है आपका लखनऊ में। आपका जैसे नंबर देंगे तो कोई भी लेना चाहे घी आपसे ऑर्डर कर सकता है? एडवांस बुकिंग ही चलती होगी घी की? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो सैंपल में लेना चाहेंगे तो हम उन्हें सैंपल में भी भेजेंगे, अगर उनको पसंद आता है तो आप। और दूध पूरे लखनऊ में कहीं भी कोई? हाँ हमारा दूध वैसे अभी आपको मैं बताऊँ लगभग मैं 55 मेरा जाता है यहाँ से, बाकी का मैं घी प्रोसेस कर रहा हूँ तो पूरे लखनऊ में जाता है आपका वृंदावन से लेकर के पारा तक मैं इसका दूध का यूज़। हाँ कोई भी लेना चाहे तो? कोई भी लेना चाहे उनको आसानी से मिल जाएगा। तो जैसे कोई कमी रहती हो दूध में उसका? देखिए सर कमी है तो आप बेझिझक हमारा नंबर रहेगा आप हमको फ़ोन कर सकते हैं जो भी है। इनकेस कभी कभी क्या हो जाता है मान लीजिए कभी किसी बॉटल में या कुछ दिक्कत आ गई किसी कारण से कहीं का दूध भी फट जाता है तो हम उस कस्टमर का उस दिन का जो है दूध ऑफ कर देते हैं। अच्छा। उस दिन का हम कोई वो नहीं चार्ज करते हैं। जी कोई चार्ज नहीं होता? नहीं कोई चार्ज नहीं होता है। अगर कोई दूध में कमी रहती है? हाँ दूध पे कोई भी कमी आए दूध में कोई भी शिकायत या दूध किसी भी प्रकार से फट जाए तो उसके लिए हम पूरा वो लेते हैं जिम्मेदारी। तो जैसे कि आप ये दूध 150 रुपये में सेल कर रहे हैं हाँ हाँ। तो इसका और क्या रीज़न है मतलब? देखिए एक्चुअली होता क्या है कि ये दूध इसका गिर गाय का आपको हमारे कुछ और भी किसान भाई जो यहाँ गिर गाय का करते हैं जी उनका भी रेट देखिए 100 अबव तो रहता ही है। ठीक है क्योंकि इतनी कॉस्टली गाय 6 से 7 महीने दूध देती हैं फिर उसके बाद इनका फीडिंग का सारी चीज़ प्लस हम लोग इसमें कुछ और फीडिंग में इस्तेमाल करते हैं जो कि दूध को कॉस्टली बनाता है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा जी। ये देखिए ये है इसको ये जीवंती है ये जीवंती की जड़ें हैं। अच्छा इसको हम लोग बाहर से मंगाते हैं एक्चुअली यहाँ पे मिलता नहीं इसका चूर्ण मिलता है वो कैसा हो भरोसा नहीं रहता इसलिए हम लोग इसे बाहर से मंगाते हैं। ये जीवंती जीवंती काम का है आपकी जो आंखें होती हैं आँख की रोशनी के लिए बहुत ही बेनिफिट होता है। आप इसका अगर यूज़ करते हैं तो आपकी आँख की रोशनी तो जैसे कम हो रही है तो रुक जाएगी फिर आगे भी आपको इसका हेल्प मिलता है। ये है सतावर ये आपकी पाचन शक्ति में आपके पेट के लिए बहुत ही रामबाण चीज़ है। और ये आपका सौंफ है सौंफ तो आप खुद ही जानते हैं आप होटल या रेस्टोरेंट में कितना भी मसाला खाएं आपको लास्ट में सौंफ खाना पड़ता है। हम खाते किस लिए हैं? क्योंकि ये पाचन शक्ति को हमारे डाइजेशन को बढ़ाती है इसलिए हम इसको देते हैं। ये काली जीर है काली जीरी जी जी ये आपकी काली जीर है। अच्छा ये भी हमारी आँख की रोशनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है ये हमारी स्टेमिना को बढ़ाती है। तो ये सब कैसे देते हैं मतलब? इसको हम गुड़ में प्रॉपर उधर एक पीछे हमने एक चूल्हा बना रखा है जी वहाँ चूल्हे पे इसको गुड़ में पूरा प्रॉपर बॉयल करते हैं। एक एक गिलास जो हमारी जितनी भी मिल्किंग काऊ हैं सबको हम ये खिलाते हैं। एक्चुअली हमने कुछ इस गिर गाय के बारे में पढ़ा था उस पर हमने इसको ये किया है। ये गाय ऐसी थी ये देखिए जंगलों में घूमने वाली गाय इनका नाम गिर इसीलिए पड़ा क्योंकि गिर के जंगलों में घूमती थी। तो ये अपनी मालिक इतनी वफादार होती हैं कि अगर ये शाम को जब जंगलों से आती थी खा के तो अपने मालिक को प्यार से जब चाटती थी तो उनको पता चल जाता था कि हमारे मालिक को क्या बीमारी है या कौन सी बीमारी आने वाली। तो अगले दिन जब वो जंगलों में चरती थी तो वही जड़ी बूटी खाती थी जो उनके मालिक को ठीक करे वो उनके मिल्किंग में आ जाता है। तो आप इनको जो भी खिलाते हैं वो आपको उसका अंश आपकी मिल्किंग में आता है इसीलिए हम भी देखते हैं जो भी चीज़ें अच्छी उनको खिलाते हैं जिससे हमारे मिल्किंग में कुछ तो गुणवत्ता आएगी कुछ तो ये बढ़ेगा। और जी खुला भी रहती है तो स्ट्रेस फ्री रहती है जैसे हाँ, तो वही दूध में भी उसके। जी 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 आपकी ये मिल्किंग में आ जाती है। गिर में आपके पास कौन कौन सी वैरायटी की काऊ है? अभी तो हमारे पास गिर में 2 वैरायटी की हैं एक तो हमारे पास रेड गिर है और वो जो आपकी वाइट में चित्तेदार है ये काबुरी है। काबरी जी हाँ ये काबरी गाय है और ये रेड गिर है। दो तरह की गाय है अभी हमारी जो बछिया तैयार हो रही है उसमें आपको एक लिलड़ी भी मिलेगी ये अच्छा। हाँ ये वाइट कलर की होती है इसका कान पैर और पूंछ एक कलर का रहता है बाकी पूरी बॉडी वाइट कलर की होती है। ये सबसे अच्छी और सबसे बढ़िया गाय होती है। तो ये वहीं से आई थी? नहीं ये तो हमारी जितनी भी गाय थी सब प्रेग्नेंट आई थी 6 से 7 महीने की यहाँ पे आकर के इन्होंने एक ब्रह्मा गाय है उसका बच्चा है।
जी जी। तो इसका नाम क्या रखा है आपने? इसका नाम हमने रखा है नवरात्रि। नवरात्रि जी जी जी। अच्छा, तो ये सभी काफ आपके? जी जी जी। इनका नाम हमने कमला रखा है। कमला जी जी जी। ये हमारी संतोषी है, ये साइट की पहली बछिया। अच्छा, सबसे पहले बछड़ी यही? सबसे पहली बछिया ये है। ये आपकी क्या उम्र होगी अभी? ये 6 महीने की बछिया है। 6 महीने की है। जी 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 जी। आप इनके कान देखिए, अभी से ये कान देखिए एक दूसरे से जी जी टच हो रहे हैं। इनके कुंडल देखिए, इसकी डील देखिए, आपको ये डील भी देखिए उठती हुई निकलेगी जी। हम तो जो होता है कुछ ये, तो जैसे कि ये पूरा आप ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का भी? देखिए, ऑर्गेनिक वेजिटेबल का तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, इसीलिए हमने अपना पूरा गोबर उबर के यहाँ पे सब स्टार्ट किया है। और कुछ हमने किसानों से भी टाई अप कर रखा है, जिसको हम अपने यहाँ से गौमूत्र और गोबर देते हैं, उनसे हम सब्जियाँ लेते हैं। जो हमारे कस्टमर है अभी, जो हमारा मिल्क यूज़ कर रहे हैं, उनके हमें ऑर्गेनिक वेजिटेबल भी डिलीवर्ड करता हूँ। बट अभी सर्टिफाइड नहीं है, अभी हमने सर्टिफिकेट इसका नहीं लिया है, अब प्रॉपर तरीके से इसमें हम लोग आ रहे हैं। अच्छा जी जी जी। तो इन फ्यूचर जो भी लेना चाहे? हाँ, आप अगर वेजिटेबल्स लेना चाहते हैं तो वेजिटेबल के लिए भी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको प्रॉपर सुबह की तोड़ी हुई हरी ताज़ी सब्जियाँ मिलेंगी। तो ये पूरा फार्म आपका? हाँ हाँ, ये हमारा पूरा फार्म है। तो ये इधर क्या बनाया हुआ आपने पीछे? ये हम लोग के रहने के लिए, प्लस कस्टमर जो हमारे विजिट करते हैं उनके लिए ऑफिस हमने बनाया। अच्छा, कस्टमर यहाँ पे विजिट भी कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल। अगर आप हमारा 150 रुपये लीटर दूध पीते हैं, तो आप एक बार जरूर आते हैं यहाँ पे देखने की आखिर इसमें क्या खासियत है, यहाँ पे क्या है, और 100% हमारे कस्टमर सेटिस्फाइड होकर के जाते हैं। अच्छा, तो ये स्टोर रूम है आपका? हाँ, इसमें एक स्टोर रूम है। इसमें हमने 3 पार्ट किया है, एक स्टोर रूम का किया है, एक अपने पर्सनल रहने के लिए किया है, क्योंकि इसका देखरेख हम खुद करते हैं। ऐसा नहीं कि हम ऑब्जर्वेशन बाहर से कर रहे हैं, नहीं, हम 2 पार्टनर हैं, चाहे वो चाहे मैं, दोनों में से एक लोग आपको यहाँ 100% अवेलेबल मिलेंगे। पूरी देखरेख आप लोग? पूरी देखरेख हम लोग अपनी आँखों के सामने कराते हैं। जी जी। तो भाई साहब, आपका धन्यवाद, जो इतनी शानदार गाय दिखाई है आपने और इतना शानदार फार्म आपने लखनऊ में बनाया हुआ है। जी जी, जैसे कि बहुत कम लखनऊ में लोग हैं जो देसी गाय पे काम कर रहे हैं। जी जी। तो हम भी चाहेंगे कि और लोग भी आएं। हाँ, मैं तो चाहूँगा कि और भी किसान भाई हमारे साथ जुड़े और देसी गाय के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचलन करें, इसकी जी इसकी वंशजों को बढ़ाएं, क्योंकि अपनी देसी गाय है, जितना ज़्यादा हमारे देश में रहेंगे, जितने ज़्यादा हमारे कस्टमर इसकी मिल्किंग लेंगे, उतना उनको प्रॉफिटेबल है, हेल्थ के लिए भी कॉन्शियस है, और हम अपनी चीज़ों को, अपनी पुरानी चीज़ों को भी हम आगे बढ़ा कर ले चलेंगे। जी जी जी। तो धन्यवाद आपका, जिसको भी दूध या घी लखनऊ में लेना हो, हाँ हाँ, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा कांटेक्ट नंबर है, में भी मैंने दे दिया। और वैसे क्या है आपका कांटेक्ट नंबर? मेरा कांटेक्ट नंबर है 7985282263। अनुराग सिंह मेरा नाम है, ठीक है। और ये निगोहा में हमारा, अगर कोई भी कस्टमर यहाँ विजिट करना चाहे, निगोहा भावाखेड़ा में हमने ये अपना स्टार्ट, कभी भी आ सकता है, हाँ, किसी भी समय किसी भी टाइम आप आ सकते हैं।